दोस्तों आज थोड़े वास्ते 170 गज की कोठी लेके आया, बहुत ही प्राइम लोकेशन दे विच है और मार्केट बिल्कुल नाल हैगी है, सारी रहायश हैगी है, नाल कॉर्नर का यह हाउस आंदा है दोस्तों। प्रॉपर सीवरेज वाटर कनैक्शन पिया होया है और जिवें कि मैं दस्सिया सारे घर बने हुए हैं दोस्तों। तो दोस्तों 170 गज है, सब तो अच्छी गल है फ्रंट जिहड़ा हैगा 30x51 30x51 साइज है और 30x51 होंदा 200 गज की कोठी का जिहड़ा हैगा फ्रंट हैगा, बट ये कोठी का जिहड़ा साइज़ हैगा 170 गज है। हुण आपां कोठी के अंदर चल के देखते हैं कोठी किस तरह की बनी है। स्लाइडर गेट है, सब तो अच्छी गल है, कार पार्किंग का कोई इशू नहीं, एक बड़ी कार थोड़ी इत्थे लग जूगी क्योंकि आमने सामने घर नहीं है, साइलेंट रोड हैगी है, एक गड्डी थोड़ी इत्थे लग जाती है। हुण स्लाइडर गेट हैगा, इत्थे भी थोड़ी एक बड़ी इनोवा कार फॉर्चूनर कार जिनी लग जूगी क्योंकि अगर गेट नूं पुश करांगे तो इत्थे भी बड़ी कार एक लग जाती है दोस्तों। तो दोस्तों इत्थे 2-3 टू व्हीलर ईजीली लग जाते हैं और उपर तक प्रॉपर टाइलिंग की हुई है और तुसी डोर ते भी देखोगे प्रॉपर टाइलिंग की हुई है दोस्तों। 8 फुट के सारे स्टैंडर्ड दरवाजे है जो अजकल ट्रेंड है, उही बनया प्रॉपर ग्रेनाइट लग गया। हुण आप अंदर एंटर होंगे ड्रैइंग रूम के, सब तो पहले LED पैनल आ जाता है, उपर सारी फॉल सीलिंग हुई हुई है, तुसी देख सकते हो दोस्तों। इहदा जिहड़ा फ्रंट हैगा 130 का फ्रंट हैगा जिहदे करके बहुत बड़ा ड्रैइंग रूम स्पेस बन गई है और चाहे एल शेप यू शेप आराम नाल सोफा लगा सकते हो, एल शेप विंडो हैगी है और उस तो अलावा यह आ गया अपना डाइनिंग एरिया, इतने 6-सीटर डाइनिंग एरिया आ जाता दोस्तों। ये सी अपनी बैठ के आराम नाल सोफे तो तुसी सीधा LED का व्यू पैंदा है। और क्रॉकरी स्टैंड आ गया सामने दोस्तों, और दोस्तों ये आ गया अपना मेन डोर आ गया, डिजाइनिंग दी हुई है और किचन काफ़ी बड़ी हैगी है, एल शेप दे विच किचन है, ग्रे शेड के सारे बॉक्सिस दिते हुए हैं और आ भी क्रॉकरी स्टैंड जिहड़ा हैगा बनया होया दोस्तों। तो दोस्तों कोठी बहुत ही अच्छी लोकेशन दे विच है, सारा उपर वुडवर्क होया होया तुसी देख सकते हो दोस्तों। हुण आपां चलते हैं पहले रूम दे विच, आ गया अपना पहला रूम। मेरी हमेशा कोशिश होंदी है कि मैं लाइव वीडियोज़ बनाना, एडिटिंग नहीं करता। पिछे बैड के पिछे बहुत सोहना डिज़ाइन दिता है, वॉलपेपर भी लग्या होया, बहुत प्यारा लग रहा है और वो ड्रैसिंग की भी ऑप्शन दी, काफ़ी बड़ा मिरर दिता हुआ, नीचे बॉक्सिस दिते हुए हैं। इतने तुम अपना लैपटॉप लैके स्टडी भी कर सकते हो, स्टडी टेबल भी यूज़ हो जाता है। हुण मैं वॉशरूम दिखा रहा, काफ़ी बड़े वॉशरूम्स है, टॉप तक टाइलिंग की हुई है, उपर फॉल सीलिंग भी की हुई है, तुम देख सकते हो दोस्तों। और वॉशरूम साइज भी काफ़ी बड़ा है, स्पेस काफ़ी बड़ी हैगी है। तो दोस्तों हुण तुसी देखोगे, आ मैं दिखा रहा थोनों व्यू पहले रूम का, ये LED पैनल आ गया और दोस्तों ये आ गया अपनी पिछे वाली तुसी वॉल देख सकते हो, काफ़ी बड़ा जिहड़ा हैगा। हुण आपां चलदे सैकेंड रूम दे विच, आ सैकेंड रूम आ गया, उपर फॉल सीलिंग हुई हुई है, LED पैनल बनया हुआ दोस्तों। और जिवें आप अंदर एंटर करते हैं, अभी पिछे डिजाइनिंग दिती हुई है बैड की बैक पर, बहुत ही अच्छी लुक निकल के आ रही है। और सामने तुसी देखोगे आ गया अपना ड्रैसिंग दी ऑप्शन, बॉक्सिस भी दिते हुए, मैं तुहानू दिखा दिंदा इस दे विच आ बॉक्सिस आ गए हैं ताकि तुसी ड्रैसिंग दे नाल अपनी जगह नू यूटिलाइज कर सकते हो दोस्तों। दोस्तों ये सेम वॉशरूम आ गया, वॉशरूम साइज़ काफ़ी बड़े हैं, सैनिटरी फिटिंग मौके पर होगी, उपर भी फॉल सीलिंग हुई हुई है। तो दोस्तों ये ग्रे शेड दे विच ही दिता होया है जिवें कि तुसी देखोगे, और काफ़ी बड़े रूम साइज़ है, बैड लगन तो बाद भी जगह बचती है। तो सीगा अपना सैकेंड रूम, और दोस्तों पिछे बेड़ा भी आ जाता है, जिवें कि आ पिछला बेड़ा आ गया, आराम नाल वॉशिंग एरिया आ जाता है। नीचे है कि 2 कमरे है, 2 वॉशरूम है, 1 मॉडलर किचन हैगी है, ये मेन एंट्रेंस आ गई जिवें कि मैं तुहानू दिखा रहा, और ये आ गया अपना मॉडलर किचन आ गई, और ये आ गया अपनी ड्रैइंग रूम स्पेस आ गई, तुसीं देख सकते हो आ सारी ड्रैइंग रूम स्पेस हैगी है, काफ़ी खुली जगह हैगी है। ये आ गया रूम, पहला रूम आ गया अटैच वॉशरूम, तुसीं देख सकते हो, ये आ गया अपना दूसरा रूम अटैच वॉशरूम, तुसीं देख सकते हो, और पिछे बेड़े नूं ये रास्ता दरवाजा दिता होया दोस्तों। ये आ गया अपनी मॉडलर किचन। हुण बिना टाइम कंज्यूम किए आप चलते हैं फर्स्ट फ्लोर के, मैं फर्स्ट फ्लोर भी दिखा दिंदा। आ कार पार्किंग जोन एरिया है, काफ़ी बड़ा कार पार्किंग जोन एरिया है, जिवें कि आमने सामने कार नहीं आता, इतने भी थोड़ी कार लग जाती है, एक बड़ी कार अंदर लग जाती है दोस्तों।
200 ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਾਈਲਿੰਗ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸੇਮ ਜੋ ਨੀਚੇ ਪੈਟਰਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਾਈਲਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 170 ਗਜ ਦੀ ਕੋਠੀ ਹੈ ਔਰ ਟੋਪ ਤੱਕ ਸਟੇਅਰਸ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਫਲੋਰ ਬਣਾਉਣਾ ਉੱਪਰ ਮੌਂਟੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਈਜ਼ਲੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੋੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਸੀੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆ ਲਾਈਟ ਗ੍ਰੇ ਅਤੇ ਡਾਰਕ ਗ੍ਰੇ ਸ਼ੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਚਨ ਹੈ ਔਰ ਐਲ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਿਚਨ ਹੈ ਕਿ 5-6 ਬੰਦੇ ਈਜ਼ਲੀ ਖੜ ਸਕਦੇ ਆ ਮਾਡਲਰ ਕਿਚਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਐਂਟਰੈਂਸ ਆ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਸਪੇਸ ਆ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕੁਛ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗਾ ਆਹ ਆਪਣਾ LED ਪੈਨਲ ਆ ਗਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਨੀਚੇ ਨਾਲੋਂ ਉੱਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਪੇਸ ਹੈਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਸਪੇਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੇਮ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਐਲ ਅਤੇ ਯੂ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਫਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ 6 ਸੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਡਾਇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਾਫੀ ਸਪੇਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ ਥਰਡ ਰੂਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਪਰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਾਲਸਲਿੰਗ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ LED ਪੈਨਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਦੋਸਤੋ ਔਰ ਸੇਮ ਅਟੈਚ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਨੀਚੇ ਬਰਾਊਨ ਸ਼ੇਡ ਸੀਗੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗ੍ਰੇ ਸ਼ੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਟੋਪ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਟਾਈਲਿੰਗਸ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਆ ਗਈ ਆਪਣੀ ਕਬੋਰਡਸ ਆ ਗਈ ਔਰ ਸਾਰੀ ਫਾਲਸਲਿੰਗ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ LED ਪੈਨਲ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਦੋਸਤੋ ਕਾਫੀ ਸਪੇਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈੱਡ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆਹ ਪਿਛਲੇ ਵਿਹੜੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਏਰੀਆ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਦਾ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਇਸ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਓਪਨ ਹੈ ਇਹ 2-ਸਾਈਡ ਓਪਨ ਕੋਠੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਗਲੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗਲੀ ਹੈ 2-ਸਾਈਡ ਓਪਨ ਕੋਠੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਡਰੈਸਿੰਗ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 4th ਰੂਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ 4th ਰੂਮ ਦੋਸਤੋ ਸੇਮ ਫਾਲਸਲਿੰਗ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਟੈਚ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਆ ਗਿਆ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟੋਪ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਟਾਈਲਿੰਗ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਦੋਸਤੋ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਕਬੋਰਡਸ ਆ ਗਏ ਉੱਪਰ ਸਾਰੀ ਫਾਲਸਲਿੰਗ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਕਾਫੀ ਬੜੇ ਰੂਮ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਰੂਮ ਸਾਈਜ਼ ਕਾਫੀ ਬੜਾ ਹੈ ਬੈੱਡ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਸਪੇਸ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਚਾਰੋ ਰੂਮਸ ਕਾਫੀ ਬੜੇ ਹੈ 2 ਬੜੀ ਕਿਚਨਸ ਹੈ 4 ਬੜੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮਸ ਹੈ ਔਰ ਟੋਪ ਮੌਂਟੀ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਟੇਅਰਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਲੱਸ ਇਹ 2-ਸਾਈਡ ਓਪਨ ਕੋਠੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 170 ਗਜ ਹੈ 30x51 ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਅਗਰ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕੋਠੀ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ 7987051479 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ